हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही में बेल आइकन को दबाएं, जिससे कि आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलती रहे। एक बार फिर से स्वागत है आपका A1 एजुकेशन के प्लेटफॉर्म पे। अब हम चालू करने वाले हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया, चालू करेंगे हम प्रोनाउन से। तो ग्रामर को प्रोनाउन से चालू करते हैं। किससे? प्रोनाउन से, ठीक है। तो प्रोनाउन से चालू करते हैं हम, ठीक है। प्रोनाउन में सबसे पहले क्या है, प्रोनाउन कितने प्रकार के होते हैं? तो प्रोनाउन प्रकार के होते हैं 9 के। कितने प्रकार के होते हैं सर? 9 प्रकार के। पहला कौन सा होता है? पहले हम सीखेंगे पर्सनल प्रोनाउन में, ठीक है। दूसरा जो सीखेंगे कौन सा सीखेंगे? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को। तीसरा जो सीखेंगे किसको? डेमोंस्ट्रेटिव प्रोनाउन को। चौथा जो सीखेंगे किसको सीखेंगे हम? रिलेटिव प्रोनाउन को। बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला। और ये पांचवा जो सीखेंगे किसको सीखेंगे हम? इनडेफिनेट प्रोनाउन को। इनडेफिनेट प्रोनाउन को। और छठवा जो प्रोनाउन सीखेंगे वो सीखेंगे इंटरोगेटिव प्रोनाउन को। सबसे इजी है यही। और सातवां जो प्रोनाउन सीखेंगे उसको सीखेंगे डिस्ट्रीब्यूट, डिस्ट्रीब्यूट प्रोनाउन को, ठीक है। अब जो हम आठवां जो सीखेंगे वो सीखेंगे किसको? एम्फैटिक प्रोनाउन को। और जो नवा जो सीखेंगे वो सीखेंगे रेसिप्रोकल प्रोनाउन को। रेसिप्रोकल प्रोनाउन। तो इस तरह से हम प्रोनाउन को सीखेंगे। अब जैसे कि पर्सनल प्रोनाउन, पर्सनल प्रोनाउन को सीखने से पहले ये पर्सन से बनाए। किसके से बनाए? पर्सन। और पर्सन कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। 1, 2, 3, ठीक है ना। अब पर्सन फर्स्ट पर्सन होता है, दूसरा पर्सन, ये थर्ड पर्सन। अब आप कहोगे फर्स्ट पर्सन कौन सा होता है? मैं कहता हूँ आई और वी होता है। सेकंड पर्सन यू होता है, और लैटिन भाषा में थू भी हो जाता है, लेकिन उससे हमें मतलब नहीं है, ठीक है। और जो अदर चीज होती है ना, अदर नेम वगैरह हो जाते हैं, वो थर्ड पर्सन में आते हैं। जैसे कि सी, ही, इट सिंगुलर के लिए यूज होते हैं, ठीक है। और दे, उसके अलावा कोई भी नाम, ये सब किस में आ जाते हैं? ये थर्ड पर्सन में आ जाते हैं। अब हम पर्सनल प्रोनाउन को थोड़ा सा और प्रिस्क्राइब करेंगे, थोड़ा सा और फैलाएंगे, थोड़ा सा और डिटेल में जानेंगे, ठीक है। किसको? पर्सनल प्रोनाउन को। थोड़ा सा और बड़ा लेते हैं, कुछ लोगों को दिखता नहीं है, ठीक है। अब जो पर्सनल नाउन है उसको थोड़ा सा और हम ब्रीफ में जानेंगे, पर्सनल नाउन प्रोनाउन को। पहले तो इसमें सबसे पहला जो होता है उसको बोलते हैं हम सब्जेक्टिव केस, या फिर बोलते हैं नॉमिनेटिव केस। आप सब्जेक्टिव केस बोल दो, क्या बोलते हैं? सब्जेक्टिव केस, या सब्जेक्ट बोल दो ऑनली, ठीक है। दूसरा जो होता है ऑब्जेक्टिव केस, ठीक है। तीसरा जो होता है इसे बोलते हैं कौन सा? जेनेटिक केस, जेनेटिक, ठीक है। जेनेटिव बोल दो या जेनेटिक बोल दो। और जो लास्ट जो होता है पजेसिव केस होता है। हाँ, वो आप कहोगे कैसे? जैसे मैं बोलता हूँ यहाँ का आई, आई का ऑब्जेक्ट क्या होता है बोलो? मी। इसका जेनेटिव क्या होता है? माई। और इसका पजेसिव क्या होता है? माइन। पजेसिव का मतलब अधिकार से होता है, ठीक है। अब बोलता हूं मैं दूसरा फर्स्ट पर्सन है वी, वी का क्या होता है? एस। और जेनेटिव केस क्या होता है? आप कहोगे आवर। और इसका आवर्स होता है इसका पजेसिव केस, आवर्स। आपके बाद जैसे कि ही के बाद, सॉरी पहले सेकंड पर्सन ले लेते हैं, इसको मैं हटा देता हूं। सेकेंड पर्सन क्या? यू।
अब उसके बाद थर्ड पर्सन में ही आता है, सी आता है फीमेल के लिए, और दे आता है किसके लिए, बहुवचन के लिए। फिर एक और आता है एक वचन में, इट। ठीक है, अब यू, यू का यू ही रहेगा, इसमें योर हो जाता है और इसमें तो योर्स हो जाता है। ही का क्या होता है, आप कहोगे हिम, और इसका जेनेटिक केस क्या हो जाता है, हिज, और इसका जो पॉजिटिव केस होता है वो भी रहता है ही। सी का सब जगह पर हर हर हर्ष हो जाता है, हर, ये वाला केस भी हर, इसमें एस लग जाता है। ठीक है, एस लग गया। दे, दे का क्या होता है, देम, इसमें क्या होता है, देयर, देयर होता है। ठीक है, इसमें देयर्स होता है, देयर्स। इट का क्या होता है, इट का होता है इट, और दूसरा होता है इट्स, और तीसरा भी इट्स ही होता है। एक चीज और है, एक और रह गया, क्या, वन, क्या रह गया, वन, तो कहाँ लिखूं, चलो यहां लिख दो वन। वन का इसमें हो जाता वंस, और इसमें हो जाता ओ एन ई एस ई क्या फर्स्ट, और इसमें जो होता है क्या होता है, इसमें वंश का हो जाता है ओ एन ई एपोस्ट्रोफी यहां लगता है। तो इस तरह से हमने क्या कर दिया, इनको डिवाइड कर दिया। ठीक है ना, अब आप कहोगे ठीक है, अब इससे आगे चलते हैं, इससे आगे नेक्स्ट स्लाइड मूव करके। चलो नेक्स्ट स्लाइड पे, अब कुछ मैं एग्जाम्पल देता हूँ, एग्जाम्पल। ठीक है, एग्जाम्पल देखना, आवर्स इज अ ग्रेट कंट्री, आवर्स इज अ ग्रेट कंट्री। अब मैं दूसरा लिख रहा हूं, आवर इज अ ग्रेट कंट्री। अब नेक्स्ट जो लिखता हूं, मैं लिखता हूं हर्ष इज अ ब्यूटिफुल गार्डन, ठीक है, या फिर मैं लिखता हूं हर इज अ ब्यूटिफुल गार्डन। तो इनमें से सही कौन कौन से हैं, देखो ये और ये तो सही हो नहीं सकते, मतलब ये हो गया गलत, आप पूछो क्यों हो जाएगा। ध्यान रखना, ये जो ये मैंने जो बताए थे पीछे नेक्स्ट स्लाइड पे, जेनेटिक केस बताया था, जेनेटिव बताया था, जेनेटिव कभी भी अकेला नहीं आता, पहली बार ये हमेशा किसी ना किसी, यानी कि जेनेटिव प्लस किसके साथ, किसी ना किसी नाउन के साथ आता है। ठीक है, अब आप कहोगे यही तो जेनेटिव केस है, लेकिन मैंने क्या कहता है, एस लग गया, तो एस अवर्ष का मतलब क्या हो गया यहाँ पे, अगर मैं कहूंगा अवर्ष, अवर्ष का मतलब हो गया अवर कंट्री, क्या होगी, इसका मतलब हो गया आवर कंट्री, और यहां पर हर्ष का मतलब क्या हो गया, यहां पर हर्ष का मतलब हो गया हर गार्डन। तो इन दोनों केसों में ये याद याद रखना, ठीक है ना, ये दोनों केसों में
ये अवर शुरुआत में आ जाए तो इसका मतलब होता है पीछे का नाउन इसके साथ जुड़ा हुआ है, अजय से फिश बन के, ठीक है ना। तो इसको याद रखेंगे, नेक्स्ट स्लाइड पर मूव करेंगे। मैं बोलू दीज बुक आर नॉट माइन, दीज बुक्स आर नॉट माइन, ये सही है, ठीक है। दूसरा दे मेट योर फ्रेंड एंड माइन, दे मेट योर फ्रेंड्स एंड माइन। यहां पे अगर मी लगा दू तो ये हो जाएगा गलत, ये हो जाएगा सही। इस माइन का मतलब क्या हो निकलता है यहाँ पे, माइन का मतलब निकलता है यहाँ पे निकलता, माइन का मतलब था माय फ्रेंड, क्या होता है माय फ्रेंड, समझ रहे हो ना। माय फ्रेंड्स कर लो या माय फ्रेंड एक मान लो या एक से अधिक मान लो, ठीक है ना। जैसे कि दीज बुक्स आर नॉट माइन, ये है मेरी किताबें नहीं है, ये मतलब यहाँ पे योर फ्रेंड है ना, योर फ्रेंड एंड के साथ जुड़ा है। तो मतलब मैंने क्या बताया था आपको अभी, जेनेटिव केस कभी अकेला नहीं आएगा, किसी न किसी नाम को लेके आएगा, जैसे कि ये आया, और ये जेनेटिव केस तो है नहीं है, ये क्या है पजेसिव केस है भाई, बताया था ना मैंने अभी लिखा था, क्या था पजेसिव केस हो गया ये। तो पजेसिव केस जब आता है तो इसका मतलब क्या होता है, ये जेनेटिव केस प्लस नाउन को लेके आता है। तो यहाँ पे माइंड से मतलब ये होगा कि मेरा दोस्त, ठीक है, इसलिए यहाँ पे मी नहीं लगा सकते, मी नहीं लगा सकते, क्या दे मेट मी योर फ्रेंड एंड माइन, मतलब वह तुम्हारे और मेरे दोस्तों से मिला या मिले, सॉरी वी है ना, वी। इस चीज को याद रखेंगे अच्छे से। अब चीज एक चीज याद रखना, क्या जैसे मैंने बताया था वाई ओ यू यानी योर्स का मतलब होता है योर प्लस क्या चीज नाउन। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे दे रहा हूं मैं, योर हाउस, अच्छा मैं इसको थोड़ा नेक्स्ट स्लाइड स्लाइड पे जाता हूँ तब बताता हूँ उसको योर का कहानी को, ठीक है। मैंने आपको बताया क्या चाहिए योर्स, सॉरी ये योर्स में ये नहीं है, एस, इस योर्स का मतलब होता है योर, ठीक है, और प्लस में नाउन। इस आधार पे मैं आपसे कुछ एक एग्जांपल पूछता हूं, आप बताने की कोशिश करना। योर हाउस इज ब्यूटिफुल, योर्स हाउस इज ब्यूटिफुल, ये बताओ पहला। अब नेक्स्ट बता रहा हूं, योर हाउस इज ब्यूटिफुल, नेक्स्ट है योर्स इज ब्यूटिफुल हाउस, ये तीन बताए। तो इनमें से देखो पहला तो ये गलत हो गया, दूसरा ये सही है, तीसरा ये सही है, आप कहोगे ये क्यों गलत हो गया, मैंने बताया था क्या चीज, यहाँ पे इस योर्स का मतलब निकलता है योर हाउस, ये तो निकलता है। अब योर्स का मतलब तो खुद ही एक योर हाउस हो गया, तो फिर दोबारा से हाउस दे दिया, मतलब दो बार तो हाउस नहीं लगा, तो योर हाउस हाउस इज ब्यूटीफुल नहीं, अगर ये भी सही हो जाता अगर यहाँ पे कॉमा लगता तब, ठीक है, तो ये गलत हो गया, योर हाउस बिल्कुल सही है,
जेनेटिव केस के साथ हमारा क्या आता है, नाउन आता है, और ये भी सही है। इन दोनों का मतलब क्या हो गया, इसका मतलब यही हो गया, अभी इससे पहले बताया था ना वो चीज, तो ये समझ में आया। चलो नेक्स्ट स्लाइड पे, अब मैं बताऊंगा आपको कंपेयर करना, क्या करना, कंपेयर करना। कंपेयर कैसे करते हैं, देखो कंपेयर कैसे करते हैं, कंपेयर कैसे करते हैं, सब्जेक्ट की कंपेयर, तुलना हमेशा सब्जेक्ट से की जाएगी, ठीक है, ऑब्जेक्ट की तुलना हमेशा ऑब्जेक्ट से की जाएगी, और वर्ब की तुलना हमेशा वर्ब से की जाएगी, याद रखना। अब कंपेयर करना मेरा नाउन में, मैंने इसलिए किया नाउन की तुलना करूंगा मैं, कैसे, जैसे कि लोग बोलते हैं यू आर बेटर देन मी, बेटर देन मी, अब मैं बोल दूंगा यू आर बेटर, इसे तो बाद में लिखूंगा, यू आर बेटर देन मी, अब ये पढ़ने में तो अच्छा लग रहा है लेकिन ये ग्रामर के हिसाब से गलत है। क्यों गलत है, अब देखो ये कंपेरेटिव डिग्री है तो हमें मालूम है कंपेयर हो रही है किसकी, मेरी कंपेयर किससे हो रही है, इससे यू से हो रही है, ठीक है। अब मुझे मालूम ये क्या सब्जेक्ट है, सॉरी सिर्फ करता हूँ पहले सब्जेक्ट लिखता हूँ, समझना जरा, ये तो सब्जेक्ट है और मी क्या आता है, ऑब्जेक्ट है कि नहीं है, जेनेटिव केस है कि नहीं है बताओ, जेनेटिव केस में ऑब्जेक्टिव केस, तो जब ये ऑब्जेक्ट है तो तुलना हो सकती है, तो इस केस में तुलना नहीं हो सकती, अगर तुलना करनी है इस मी को आई में बदल दो तो ये क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट। तो इस हिसाब से क्या कर सकते हैं, इस हिसाब से हम लिख सकते हैं यू आर बेटर देन आई, लोग यहीं पर गलती करते हैं अक्सर, तो अब ये पढ़ने में भली अटपटा हो लेकिन ये बिल्कुल सही है, ठीक है। अब आप कहोगे ठीक है तो आगे चलते हैं, अब ऑब्जेक्ट की तुलना करके दिखाओ, मैं ऑब्जेक्ट की तुलना करके दिखा रहा हूं। अब ऑब्जेक्ट की तुलना करने से पहले मैं एक एग्जाम्पल से समझाता हूं ऑब्जेक्ट की कैसे करेंगे, सी रेस्पेक्ट मी या यू, सी रेस्पेक्ट यू मोर देन आई, मोर देन आई। अब एक चीज देखिए, अब दोबारा से ये गलत हो गया, क्यों हो गया, देखो वह सम्मान करती है, ठीक है, तुमसे ज्यादा मेरा, अब देखो यू क्या है, सब्जेक्ट तो ये हो गया भाई, ऑब्जेक्ट ये हो गया, ठीक है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट ये तो आता है, ऊपर से आई क्या होता है, आई का हो गया सब्जेक्ट होता है, तो एक बात बताइए इसकी तुलना किससे कर रही है, इससे कर रही है, तुलना की पता कैसे करेंगे, इससे आगे पीछे जो चीज होगी ना उन्हीं की तुलना होती है, ठीक है। तो आप कहोगे ये तो बस सही है, ये ऑब्जेक्ट ही सब्जेक्ट की तुलना नहीं हो सकती, तो ये तो चेंज हो नहीं सकता, क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि सब्जेक्ट फिर वर्ब फिर सब्जेक्ट का भी आता होगा, क्या आता है सब्जेक्ट वर्ब फिर ऑब्जेक्ट, फिर इसको क्या बदलना पड़ेगा, आप कहोगे इसको ऑब्जेक्ट में बदल लो, मतलब मी में बदल लो, तो अब ये सही है, सी रेस्पेक्ट यू मोर देन मी, अब ये सही है, अब समझ में आई, सब्जेक्ट की तुलना हमेशा सब्जेक्ट से करेंगे, ऑब्जेक्ट की तुलना हमेशा ऑब्जेक्ट में ही करेंगे। चलो नेक्स्ट, नेक्स्ट अब जो हम करने वाले हैं उसके बारे में देखते हैं। अब मैं ये बताऊंगा कि
किसी नाउन या प्रोनाउन, ठीक है, प्रोनाउन पर जोर देने के लिए, जोर इम्फेसिस बोलते हैं, जोर को इम्फेसिस देने के लिए इट का यूज कैसे करेंगे, एग्जाम्पल के तौर पे देखो, इट इज सैंकी, ठीक है, हु हेल्प्ड हिम लास्ट नाइट, हु हेल्प्ड हिम लास्ट नाइट। अब इसी देखो, इसका मतलब है यह सैंकी ही है, ठीक है, इसका रिलेटिव प्रोनाउन है ये, ठीक है, इसका मतलब होता है जिसने, जिसने हिम माने उसकी, उसकी लास्ट नाइट मतलब बीती हुई रात, बीते हुए रात या गुजरी हुई रात को सहायता की, ठीक है, यह सेंगी ही है, इसका मतलब होता है यह सेंगी, हिंदी लगेगी, अरे सेंकी ही है, इसका मतलब ये हो गया, ठीक है। अच्छा जी चलो आगे चलते हैं। अब एक चीज देखना, उसमें क्या चीज है, उसमें मैं इस चीज में ये बता रहा हूं, अगर जोर देने के लिए इट के बाद, इज के बाद हमेशा सब्जेक्ट लगेगा, क्या लगेगा, सब्जेक्टिव केस लगेगा, इस चीज को याद रखेंगे। एग्जाम्पल के तौर पर बताता हूं, मैंने बताया था आपको इट इज, ठीक है, प्लस सब्जेक्ट, यही बताया था ना, तो देखो इसको हम वेरीफाई करते हैं, इसको हम क्या करते हैं, वेरीफाई करते हैं, देखो कैसे, मैं बोल दूंगा कि इट इज आई, पहले इट इज आई हु हैव, ठीक है, टॉट यू, इसका मतलब क्या हो गया, मैंने कहा था इट इज के बाद सब्जेक्ट ही लगेगा, यहाँ पे कोई लगाने वाला अगर रिप्लेस मी में लगा दे तो यही गलती है हमारी, क्या हो जाएगा, इट इज आई हु जिसने तुम्हें पढ़ाया, देखो हु किसके लिए आया, हु के जस्ट पीछे देखो किसके लिए हु लग रहा, आई के लिए, तो आई के लिए वर्ब क्या लगती है, आई के लिए हैव तो लगती है, हैज थोड़ी ना लगेगी, तो आई के लिए वर्ब लगी है, ठीक है ना। अच्छा जी इट इज मी नहीं होगा, इट इज आई होगा, हम बोलते हैं इट्स मी, ये मैं हूँ, इट्स आई हमेशा बोलते हैं, ठीक है, इसलिए तो मैं हूं ना, इसका मतलब मैं, इसको बोलते हैं इट इज आई, ध्यान रखना इट इज आई, इसका सेंटेंस ऐसे बनेगा, गलत मत करना आप, जो नेक्स्ट जो एग्जांपल दे रहा हूं मैं, जैसे कर लेंगे इट वॉज ही, सब्जेक्टिव केस ही है, देखो मैंने कहने से अलग नहीं किया, इट वॉज ही, यह वही है, हु वॉज क्राइम एट द रोड, ऑन द रोड करते हैं, एट नहीं है वो, एट द डोर कर सकते हैं हम, ऑन द रोड आता है, एट द डोर नहीं आएगा, ठीक है, ऑन द रोड, यह वही है। अब देखो एक चीज देखो, हु के लिए मैंने वर्ब क्यों नहीं लगाया, कैसे करेंगे, पहचान कैसे करेंगे, ये हुआ किसके लिए आया, इसके पीछे क्या है, हमें मालूम ही, तो ही के लिए सिंगुलर वर्ब आती है वर्क, सॉरी वॉच, वर्ब
नहीं आएगी, ठीक है ना, इससे हम ऐसे पहचान सकते हैं। चलो अब सीक्वेंस देखते हैं, आगे पे चलते हैं। सीक्वेंस में क्या क्या पढ़ेंगे हम देखते हैं, एक तो 231 देखते हैं, ठीक है, एक तो देखते हैं 123, 123 ये पर्सन है, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन और फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट सेकंड थर्ड पर्सन ऐसे जाते हैं। अगर ये आ रहा है तो इसमें आता सामान्य में, सामान्य वाक्य में। अगर ये आ रहा है, सॉरी गला बैठ गया, अगर ये आ रहा है तो ये आ रहा है किसी दोषपूर्ण वाक्य में, मतलब सामान्य ना हो, हाँ साधारण। असाधारण वाक्य में आप कहोगे कैसे, मैं कह दू यू, ठीक है, फिर कॉमा आई एंड ही, मतलब क्या हो गया, ठीक है, ये हो गया हैव टू हेल्पर। अब नेक्स्ट जो देता हूं, मैं कह रहा हूं यू कॉमा ही एंड आई हैव टू हेल्प। तीसरे देता हूं आई यू एंड ही, ठीक है, हैव कमिटेड अ सिन, हैव कमिटेड अ सिन, ठीक। चलो और एग्जाम्पल ले लेते हैं, ही एंड आई आर लेट, एक को लेते हैं आई एंड यू हैव कमिटेड अ क्राइम, ये आ गया। एक चीज सीखो, तुम्हें उसकी सहायता करनी पड़ेगी, ठीक है, या तुम्हें उसकी सहायता करनी ही है, इसका मतलब पहला आ गया किसको, तो मैं मुझे और उसे उसकी सहायता करनी है, कोई लड़की उसकी सहायता करनी है, इसमें हाथ का मतलब, तो हम हिम भी कर सकते हैं, जो भी कर सकता है सुविधा के अनुसार हम कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो मुझे मालूम है ये कौन सा आ गया, ये आ गया सेकंड पर्सन, ये आ गया थर्ड पर्सन, और ये आ गया सॉरी ये फर्स्ट पर्सन, और ये कौन सा आ गया, ये आपका हो गया, ये आ गया आपका थर्ड पर्सन। तो हमारी सीक्वेंस केवल दो सीरीज में लग सकती है, एक इसमें एक इसमें, तो ये गलत है, ये हमारी गलत है। अच्छा ये कौन सा आ गया, ये आ गया सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, और ये देखो पहले सीक्वेंस आ गई, तो ये पहला वाला सही। अब देखो कोई पाप करना, क्राइम करना, मतलब कुछ गलत चीज करना, उसके लिए हमें कौन सी सीक्वेंस लगानी पड़ती है, ये, ठीक है, या यू सॉरी आई यू एंड ही, ठीक है, तो ये मैंने क्या लिख दिया, ये थर्ड पर्सन, सेकंड पर्सन और फर्स्ट पर्सन। अरे गलत बोल रहा हूँ, ये फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन, इधर ध्यान उधर ध्यान था, ठीक है। तो ये मैंने 123 यानी 1 2 3 किसमें लगाना, असाधारण में, इसमें क्या क्या है, कोई पाप करना, मर्डर करना, कोई दोष करना, ठीक है, क्राइम करना वगैरह, इन सभी में हम 1 2 3 वाली सीक्वेंस लगाते हैं, ठीक, 1 2 3 वाली सीक्वेंस लगाते हैं, तो 1 2 3 वाली सीक्वेंस ये हमने लगा दी, तो इसलिए हमने क्या किया, पाप किया, तो ये वाली सीक्वेंस चल जाएगी, लेकिन इसमें मैं 231 वाली सीक्वेंस नहीं लगा सकता। अब ये कौन सा आ गया, ये थर्ड आ गया और ये फर्स्ट आ गया, तो देखो थर्ड और फर्स्ट किसमें आ रहा है, किसमें आ रहा है, थर्ड
फ्लावर फर्स्ट इसमें तो आ रहा है, ठीक है, तो लेट हो गए हैं, ये सही है सीक्वेंस। अगर मैं कह दूं यू एंड आई, देखो ये फर्स्ट और ये सेकंड कमिटेड, मैंने क्या कहा था, ये वाली सीक्वेंस तभी लगेगी जब क्या होगा, कोई गलत काम हो रहा होगा। तो ये वाली सीक्वेंस कहाँ पे लगी, ये वाली, ये रहे। और ये वाली थर्ड पर्सन फिर फर्स्ट पर्सन, ये नॉर्मल में लग गई, तो ये नॉर्मल है तो नॉर्मल में लग गई, तो इसलिए ये भी सही, ये सीक्वेंस को याद रखेंगे। ठीक, चलो आगे चलते हैं। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, ठीक है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होते क्या, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होते हैं, हिमसेल्फ, देमसेल्फ, ठीक है, देमसेल्फ, ऐसे करके इटसेल्फ, हरसेल्फ, सेल्फ लगाना है, ठीक है। अच्छा जी, सेल्फ किसके लिए, इनका मतलब होता स्वयं, इसका मतलब होता है स्वयं, आई एब्सेंट माई सेल्फ, या फिर दे एंजॉयड इसे सही से लिख देते हैं, दे एंजॉय देम सेल्फ, उन्होंने खुद क्या किया, एंजॉय किया। तो खुद के लिए स्वयं के लिए बस जी लगाना है, इसमें कुछ समझने वाली बात नहीं है, ठीक है, ये नॉर्मल सी चीज है। अगर स्वयं के लिए जी लगानी तो इसको सेल्फ लगा दो। नेक्स्ट, अब डेमोंस्ट्रेटिव प्रोनाउन, डेमोंस्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या होता है, दीज, सॉरी पहले दिस कर लेते सिंगुलर, ठीक है, इसका पास्ट जो होता है डेट होता है, दीज, इसका पास्ट दोज होता है, ठीक है ना। और एक और आता सच, सच मतलब इस प्रकार, यस, तो दिस का यूज, डेट का यूज मालूम है, दिस इज एप्पल, डेट इज एप्पल, तो ये तो सिंगुलर के लिए होता है और ये प्लूरल के लिए यूज होता है, ठीक है, सिंगुलर प्लूरल के लिए यूज होते हैं, इनका यूज मैं बता रहा नहीं क्योंकि नॉर्मल से चीज है, इतना तो आना चाहिए आपको। अब हम बात करेंगे रिलेटिव प्रोनाउन की, किसकी करेंगे, रिलेटिव प्रोनाउन, मोस्ट इंपोर्टेंट रिलेटिव प्रोनाउन, तो रिलेटिव प्रोनाउन है। अच्छा, रिलेटिव प्रोनाउन में कितने प्रकार के होते हैं, रिलेटिव प्रोनाउन प्रकार नहीं, मैं बता देता हूं क्या होता, हु, ठीक है, हुम, विच, दैट और व्हाट, ये हो गए हमारे रिलेटिव प्रोनाउन। अच्छा जी, रिलेटिव प्रोनाउन ये तो हो गए, चलो इनको बताता हूं, ये तो एज अ सब्जेक्ट के रूप में काम आता है, ये ऑब्जेक्ट की तरह काम करता है, ठीक है, विच, विच जो है निर्जीव चीजों के लिए यूज होती है, ठीक है, और ये डेट है, डेट के स्पेशल केस होते हैं, इसको मैं अलग से बताऊंगा किसके लिए होते हैं, और व्हाट ये फीलिंग्स के लिए काम आता है, फीलिंग्स के लिए काम कह सकते हैं, या फिर हाँ फीलिंग्स क्यों कह सकते हैं। अब देखो कैसे, वारी वारी, पहले मैं हु का बताता हूँ, किसका बताता हूँ, हु का यूज बताता हूँ, ठीक, अब हु का यूज बताता हूँ आपको एग्जांपल में,
आई डोंट लाइक डेट बॉय, मैंने कहा आई डोंट लाइक डेड बॉय, ठीक है, आई डोंट लाइक डेड बॉय, हु हैज डन इट, ये लिख दिया मैंने डन इट, ठीक है। इसका मतलब क्या, मैं उस लड़के को पसंद नहीं करता जिसने ये किया, इसका मतलब ये हो गया। तो एक चीज सीखना, इसकी पहचान कैसे की जाएगी, ये इस जगह लगा हुआ है, सही लगा है या नहीं, हु के बाद हमेशा वर्ब आएगी, ध्यान रखना, ये इसका मेन पहचानने का तरीका है। तो इसके बाद देखो वर्ब है, तो मतलब ये अपनी जगह सही लगा हुआ है, ठीक है। और लिखने वाले तो ऐसे लिख सकते हैं, I don't like dead boy whom has done it, क्या कर देंगे, whom, यहाँ पे लिख देता हूँ, whom has done it, तो ये क्या हो जाएगा, गलत, क्योंकि यहाँ पे क्या आएगा, who आएगा, who क्यों आएगा, क्योंकि who के बाद हमेशा क्रिया आती है, तो क्रिया इस जगह has है, इसलिए, ठीक है। अच्छा अगर मैं कर दूं, हाँ ठीक है, इसके बाद अगर मैं कर दूं, आई डोंट लाइक दोज बॉयज Who has done it? अब इसमें गलती क्या है, आप कहोगे इसमें गलती ये होगी, क्योंकि ये जो है ये किसके लिए काम करता है, जिसके पीछे है, तो इसके पीछे कौन है, वो लड़के हैं, वे लड़के, तो ये वे लड़के क्या है, आप कहोगे प्लूरल है, तो प्लूरल के लिए क्या आता है, आप कहोगे कि है बात है ये, तो इसलिए इस जगह क्या लगाना चाहिए था मुझे, चलो आगे चलते हैं। आगे क्या था, मैंने बताया था जो आपको, अच्छा जी अब आगे जो है हुम का यूज बताता हूं मैं, हुम के बाद जो हमेशा है क्या आएगा, नाउन आएगा, नाउन या फिर ऐसे कह ले सकते हैं हम सब्जेक्ट आएगा, ठीक है ना। अब एग्जाम्पल के तौर पे देता हूं, लिखता हूं, दिस इज द बॉय, ठीक है ना, हुम आई सॉ इन द मार्केट, मैंने कल क्या लिखी, दिस इज द बॉय हु आई सॉ इन द मार्केट, तो मैंने कहा ये मैंने, ये वही लड़का है जिसे मैंने कहा देखा, मार्केट में देखा, तो आप कहोगे कि आपने तो कहा था हु के बाद हमेशा क्या आना चाहिए, वर्ब आनी चाहिए, तो वर्ब तो ये नहीं है, तो इसका मतलब ये है ना फिर, तो ये गलत है, तो इसके बाद हु मानना, ठीक है, जिसका मतलब जिसे, जिसका मतलब क्या होगा, जिसे, और इसके बाद आया क्या, सब्जेक्ट आया,
तो मैंने यही समझाना चाहा आपको, इसको याद रखें। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल और देख लेता हूँ, वो एग्जाम्पल क्या है। द स्टूडेंट, ठीक है, द स्टूडेंट हुम आई मेट टुडे वॉज संजय या रवीज सर, रवीज सन। मैंने ये कह दिया तो आप कहोगे हुम के बाद क्या है, सब्जेक्ट है, सही है, कोई दिक्कत नहीं, बस मैंने एक एग्जांपल दिया। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। तो चलो नेक्स्ट स्लाइड में मैं क्या कहना चाहता हूँ, अब मैं यूज बताना चाहता हूँ आपको विच का। विच मैं इंटरोगेटिव के रूप में नहीं बता रहा, इसमें मैं रिलेटिव प्रोनाउन की तरह यूज बता रहा हूँ। इसे वैसे निर्जीव के लिए यूज करेंगे मोस्टली, जैसे दिस इज द पेन, ठीक है, विच आई वॉट यस्टरडे, जो मैंने कल खरीदा, विच आई वॉट यस्टरडे। विच का मतलब होता है जिसे या जो, और विच के बाद दोनों चीज आ सकती हैं, वर्ब भी आ सकती है और क्या होता है सब्जेक्ट या प्रोनाउन नाम भी आ सकता है। अब मैं बताता हूं आपको व्हाट का यूज, ठीक है, किसका यूज बता रहा हूँ मैं, व्हाट का यूज। अब व्हाट का यूज जो है, मैंने किसके होता फीलिंग्स के लिए, मतलब भाव के लिए, ठीक है, भाव के लिए यूज किया जाता है। जैसे कि आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाट यू से, आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाट यू से, मैं नहीं समझता जो आप कह रहे हो, या फिर जो तुमने कहा हो वो मेरे समझ में नहीं आया, ऐसे हम कह सकते हैं, आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाट यू से। तो व्हाट का मतलब मैंने बताया किसकी फीलिंग्स के लिए, इसके भाव के, उसके भाव को नहीं समझ पा रहा हूँ इसलिए, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट, अब हम बताते हैं डेट। डेट डेट का यूज पहले तो हम किसके लिए कर सकते हैं, पहले हम जानवरों के लिए यूज कर सकते हैं, पहला जिसे हम बोलते हैं एनिमल, ठीक है। दूसरा यूज सुपरलेटिव डिग्री में होता है इसका, ठीक, और तीसरा यूज आप डेड का द सेम आ जाए तो इसके बाद भी डेड आएगा। चौथा ओनली, ठीक है, एनी फ्यू लिटिल Everything, everything के बाद nothing, इसमें जो relative pronoun आए तो relative pronoun that ही आए। आपने कहा ये तो लिखवा दिए, example तो बता दीजिए। चलो हम पहले इसका बताते हैं, पहला एग्जांपल, हम एग्जांपल पहला बताते हैं, पहला क्या बताते हैं, इट इज दिस इज द काउ डेट आई बॉट, क्या कहूंगा मैं, दिस
इज द काउ डेट आई वॉट। ये वही कार है जिसे मैं वो गाय है जिसे मैंने खरीदा। अब दूसरा मैं एग्जाम्पल बताना चाहता हूँ द सेम। दिस इज द बॉय, ठीक है, दिस इज द बॉय डेट आई मेट यस्टरडे। आई मेट, मेट लिख दिया यस्टरडे। लोग क्या करते हैं, अरे हमें मालूम है बॉय के लिए डेट आ रहा है रिलेटिव में, तो इसमें हुम क्यों नहीं आएगी। भाई मैंने बताया था इससे पहले हुम का यूज किसके लिए किया जाता है, रिलेटिव प्रोनाउन में मनुष्य के लिए, ठीक है, तो हुम क्यों नहीं आएगी। मैंने बताया था द सेम के बाद ओनली फ्यू लिटिल नथिंग एनीथिंग, इनके बाद अगर हमें यूज करना है रिलेटिव प्रोनाउन तो कोई भी हो, निर्जीव हो, वस्तु हो, कोई भी हो, उनके लिए हमें डेट का यूज करना है। फिर तो इन कंडीशन में कोई भी कुछ आ जाए, कौन सी वाली कंडीशन है हमें, इनमें चाहे निर्जीव हो चाहे कुछ भी हो, हमें डेट ही यूज करना है। ठीक, नेक्स्ट स्लाइड पे। अब दिस इज एक एग्जांपल और दे देते हैं, चलो मैं एग्जांपल दे रहा हूं। मैं बोलूं दिस इज द सेम डॉग, सेम डॉग डेट वॉज ब्लैक, डेट वॉज ब्लैक, ये सही है बिल्कुल डेट है आपकी, ठीक है, ये डेट बिल्कुल सही है। चाहे इंसान हो चाहे कोई भी हो, हम डेट यूज कर सकते हैं किस कारण, इसके कारण, ठीक है, इसके कारण हमने डेट यूज किया जैसे कि नियम था। अजू लास्ट मैंने नियम इसका लिखवाया था, वो क्या लिखवाया था मैंने, दिस इज द ओनली बुक, ठीक है, डेट कैन गिव अस प्रॉपर गाइडेंस, डेट कैन गिव अस प्रॉपर गाइडेंस। ये बिल्कुल सही है। आप कहोगे कि बुक के लिए विच क्यों नहीं यूज किया, मैं कहूंगा विच गलत होगा, डेट सही होगा। क्यों होगा, क्योंकि द ओनली के चक्कर में, ठीक है, मैं द ओनली बताया था, उसके बाद कुछ भी हो हमें ये क्या क्या बताया था मैंने, मैंने बताया द सेम, द ओनली, ठीक, द फ्यू, द लिटिल, एनीथिंग और एवरीथिंग, इनके बाद अगर रिलेटिव प्रोनाउन यूज आता है तो उसका डेट का ही यूज होगा, चाहे किसी के लिए भी हो, निर्जीव के लिए हो, सजीव के लिए हो, किसी के लिए भी हो, ठीक। चलो नेक्स्ट मूव करते हैं आगे। अब हम करेंगे डिस्ट्रीब्यूट प्रोनाउन, डिस्ट्रीब्यूट प्रोनाउन को देखो, डिस्ट्रीब्यूट में कौन से होते हैं, ईच आइदर, जिसका नेगेटिव होता है नाइदर, एनीवन, जिसका नेगेटिव होता नन। ये केवल दो लोगों के लिए किया जाता है, ओनली टू पर्सन में से, कैसे ये देखिए। पहला एग्जाम्पल मैं ईच का दे रहा हूं, हम कह सकते हैं ईच ऑफ द टू बॉय बिल्कुल सही है, इस टू को ना लगाए फिर भी ये सही है, ठीक है, तो दोनों तरीके से ये हमारा सही होगा।
अब तीसरा दूसरा मैं बताता हूं किसका आधार। अच्छा, ईच ऑफ टू वर्ड्स का मतलब होता है दोनों में से प्रत्येक, मतलब बारी बारी बुलाऊं, ईच ऑफ टू कम ईयर, मतलब तुम में से प्रत्येक पहले तुम आओ फिर तुम आओ, मतलब प्रत्येक मेरे पास आओ, ईच ऑफ टू कम ईयर, ठीक है, मतलब तुम में से दोनों, ईच ऑफ टू यू, मैं तुम में से दोनों कम हेयर, यहां आओ, ठीक है। अब मैं कर दूं कैसे, अगला मैं कर देता हूं ईच ऑफ फाइव कर सकता हूं मैं, क्योंकि ये दो के लिए भी लगा सकते हैं, चार के लिए, पांच के लिए भी, लेकिन अगर दो के लिए मैं बॉन्डिंग कर दूं, केवल दो ही लोग हैं और उनके लिए लगना ही लगना है, ठीक है, तो आइदर, आइदर ऑफ टू बॉयज, तभी ये सही, सॉरी, तभी ये सही होगा। अगर मैं इसकी जगह फाइव फोर कुछ भी कर देता हूँ ना, तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि आइदर का यूज हमेशा टू के लिए लगाया जा सकता है, ऐसे नाइदर ऑफ टू हो जाएगा, ऐसे इसके लिए लगा सकता हूँ मैं इसकी जगह नाइदर, इसका नेगेटिव, नाइदर ऑफ टू, या ऐसे वॉइस में, तो ये भी सही है, तो ये दोनों कंडीशन सही है हमारे। तो मैंने क्या बताया आपको, मैंने बताया ईच ऑफ टू बॉयज भी आ सकता है, ईच ऑफ फाइव बॉयज भी आ सकता है, लेकिन नाइदर ऑफ फाइव बॉयज नहीं आएगा, नाइदर ऑफ टू बॉयज आ जाएगा, ठीक है, आइदर ऑफ टू बॉयज आ जाएगा, आइदर ऑफ थ्री बॉयज नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि आइदर का यूज ओनली दो के लिए लगाया जाता है, इसका इसी के साथ पेयर बना सकते हैं और इससे ज्यादा के लिए पेयर नहीं बना सकते। अब हम आगे बताते हैं किसके बारे में, अब बताती हूँ मैं एनीवन के बारे में, तो इससे भी किसी के साथ लगा सकते हैं, एनी वन ऑफ यू, एनी वन ऑफ यू, तुम में से कोई भी यहाँ आ जाओ कम ईयर, ठीक है, नन ऑफ यू, तुम में से कोई नहीं, यानी कि एनी वन ऑफ यू, तुम में से कोई भी कम ईयर यहाँ आ जाओ, नन ऑफ यू मतलब तुम में से कोई नहीं कम ईयर यहाँ यहाँ आओ, तुम में से कोई नहीं यहाँ, ऑफ यू, इसका मतलब होता है एनी वन ऑफ यू मतलब तुम में से कोई एक यहाँ आओ, अगर मैं लगा दू कम ईयर लास्ट में लगा दू, नन ऑफ यू कम ईयर, तुम में से कोई यहाँ मत आओ, इसका मतलब ये हो गया, ठीक है। तो आगे चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, चलो तो नेक्स्ट स्लाइड पे अब हम जो बताने वाले हैं उसको देखो, अब मैं बता रहा हूं इनडेफिनिट प्रोनाउन, इनडेफिनिट प्रोनाउन किसको कहते हैं, इनडेफिनिट प्रोनाउन एक ही होता है, जैसे कहते हो वंस, जैसे कि वन शुड, ठीक है, डू वंस ड्यूटी, प्रत्येक को अपनी ड्यूटी करनी चाहिए, या फिर इसका ओनली मतलब ये होता है कि अपनी ड्यूटी करनी चाहिए, जिसमें सब्जेक्ट का नाम ना ले हो तो उसमें वंस लगाना पड़ता है, ठीक है, तो इसका जो है जेनेटिव केस क्या होता है, वंस, पजेसिव केस हो गया है तो वंस, ठीक है, तो समवन इसका भी हो जाएगा, इनडेफिनेट प्रोनाउन है, इसका पता नहीं किसके बारे में कहते हो, कह रहा है, इसलिए ये दो ही होते हैं, समवन शुड डू हिज ड्यूटी, इसका मतलब क्या हो गया, समवन का हमेशा क्या होता है, हिज क्या होता है, पजेसिव केस हिज होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट है इम्फेटिक प्रोनाउन, इम्फेटिक प्रोनाउन में कुछ नहीं करना है, ठीक है, क्या करना है, जैसे कि मैं बता दू, रवि कोमल आगे हिमसेल्फ, डिड द वर्क, बस हो गया, इसमें क्या क्या किया मैंने, केवल हिमसेल्फ कोमल आके हिमसेल्फ लग जाएगा तो पहचान जाएंगे, ये गलत नहीं होगा,
रवि ने स्वयं ये काम किया, इसका मतलब ये होता है कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। एज द स्टूडेंट देम सेल्फ आर लेट, खुद से लेट हो गए, ठीक। और नेक्स्ट जो बता रहा हूं मैं, रेसिप्रोकल प्रोनाउन। अच्छा, रेसिप्रोकल प्रोनाउन में क्या चीज है, उसमें ईच अदर, ठीक है, वन अनदर, ईच अदर तो ओनली दो लोगों के लिए आएगा, कितने के लिए, दोनों के लिए, दो से अधिक के लिए वन अनदर। मतलब कैसे, उदाहरण से देखते हैं, उदाहरण से कैसे देखते हैं, उदाहरण से ऐसे देखते हैं, मैं एग्जाम्पल लिखता हूं। दे, ठीक है, प्लेइंग, या फिर दे एक्स इन देयर, एक्सचेंज देयर टॉय विद ईच अदर, ईच अदर। अब लेकिन ये दे है ना, दे में ओनली 2% होनी चाहिए, इस दे की जगह मेरा मतलब ये है राम एंड श्याम, दो हो गए, यहाँ कुछ नहीं, राम एंड श्याम, ठीक है, एक्स इन देयर टॉयज विद ईच अदर, मतलब एक दूसरे से। अगर मैं इसका मतलब एक से अधिक हो गया, मतलब दो से अधिक हो गया, मतलब इसका दे का मतलब बहुत जनी है, तो इसका हो जाएगा यहाँ पे वन अनदर, वन अनदर मतलब एक दूसरे, ठीक। ये समझ में आया होगा, अच्छा जी, ये समझ में आ गया, रेसिप्रोकल समझ में आ गया, बहुत अच्छी बात है। इसकी एक्सरसाइज करेंगे हम कल, ठीक है। अब हम ऐसे लिख के नहीं करेंगे, पीडीएफ के रूप में आपको हाईलाइट कर करके जल्दी जल्दी बता दिया करेंगे, इसमें काफी टाइम लगता है, ठीक है, एक वीडियो काफी टाइम की हो जाती है तो उससे दिक्कत रहती है, ठीक है, हम हाईलाइट करके वैसे बता दिए।
चलो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में भाई, सी यू, टेक केयर, आपका दिन शुभ रहे।